मणिपुर में जारी जबरदस्त हिंसा और आगजनी के बीच सरकार ने हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। मणिपुर में सेना पहले से ही तैनात है। अब केंद्र सरकार ने आरएएफ की टीम्स को भेजा है। एयरफोर्स का विमान आरएएफ की टीम को लेकर कल शाम ही इम्फाल पहुंचा। हिंसा के चलते मणिपुर में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। बुधवार को आदिवासियों के प्रदर्शन के दौरान यह हिंसा हुई थी, जिसके चलते मणिपुर के 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों में सेना और असम राइफल्स की टीम्स फ्लैग मार्च कर रही हैं। अब तक 9000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, केंद्रीय गृह सचिव, आईबी निदेशक और अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। उन्होंने मणिपुर के पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात की है। मणिपुर की राज्यपाल ने उधर ये कहा कि ये हिंसक घटनाओं से वो काफी दुखी हैं और लोगों को शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करते हैं। इसी माफिक से हम लोग बहुत डर गया था ना, उसी टाइम से हम लोग भागते भागते चला गया। पता नहीं क्या क्या हो रहा है। जो घर में आग लगाता है, दुकान तोड़ता है, लूटता है, पैसा सोना सब कुछ लूट के उन लोग लेके गया है। गुरुवार को भी मणिपुर की राजधानी इम्फाल और कुछ दूसरे इलाकों में हिंसा दिखी। सरकार ने देखते ही गोली मार देने के आदेश दिए हैं। दंगा रोकने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स के 500 जवान उतार दिए गए। वे राज्य पुलिस के अलावा सेना, असम राइफल्स और सीआरपीएफ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सुबह कहा कि हालात सामान्य हो रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की। Incident which was taken place yesterday was due to misunderstanding and some communication gap, and now everything has been settled and will be normalized very soon. बुधवार को झड़पें शुरू हुई गैर जनजातीय मैतेई और दूसरे जनजातीय समूहों के बीच। दरअसल हाल ही में हाईकोर्ट ने मैतेई लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने पर मोहर लगाई, जिसके विरोध में जनजातीय समूहों ने जुलूस निकाला। मैतेई गैर जनजातीय हैं। विपक्ष बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना कर रहा है। I have already explained to you, we have already sent cross message to the Honorable Prime Minister and Honorable Home Minister also. The same copy was endorsed to Her Excellency, the Governor of Manipur, who is representative President of Supreme Commander of India. So we request her immediately intervene, please help us, for enable us to bring complete peace here in Manipur. सेना और असम राइफल्स फ्लैग मार्च कर रहे हैं। 9000 से ज्यादा लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। सरकार अभी ये नहीं बता पा रही है कि कितनी हिंसा हुई है, कितनी जानें गई हैं और कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। दिल्ली से नीता शर्मा के साथ गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।